जम्मू कश्मीर के राजौरी में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश में आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को चेक देते हुए फोटो खिंचवाने को लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। द हिंदू की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा पहुंचे हुए थे। वह और अन्य नेता गम के इस माहौल में बेशर्मी वाली सियासत करते हुए कैप्टन गुप्ता की मां को 50 लाख रुपए देते समय फोटो खिंचवाने के लिए पोस्ट कर रहे थे। उसी समय कैप्टन गुप्ता की मां ने कहा, ये प्रदर्शनी मत लगाओ। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैप्टन गुप्ता की मां को पकड़कर उस ओर लाया जा रहा है जहां मंत्री और अन्य नेता चेक लेकर खड़े थे। जब उन्हें चेक देने की कोशिश की जा रही थी तब भी वह रोते हुए लगभग बेसुध की हालत में थी। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भाजपाइयों की असंवेदनशीलता पर बोली एक माँ, ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। भाजपा सरकार के मंत्री कल ही शहीद हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के परिवार को चेक देने के नाम पर करा रहे फोटोशूट, बिलखती माँ के आंसुओं का अपमान, शहीदों के नाम पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए भाजपा वाले शर्मनाक, शहीद के परिवार को अपमानित करने के लिए माफी मांगे मंत्री। वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को दुखद बताया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंत्री के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि यह दुखद, शर्मनाक और असहनीय है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर लिखा, 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की रोती बिलखती मां को गिद्ध जनता पार्टी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और गिद्ध भाजपाइयों को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। शर्म है कि इन्हें आती नहीं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे बेशर्मी करार देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि शहीद बेटे की माँ गुहार लगा रही है लेकिन मंत्री अपने फोटो क्लिक करवाने में लगे हैं। यह कैसी बेशर्मी है। क्या शहीद के परिवार को अब शांति से शोक मनाने भी नहीं दिया जाएगा। संवेदनहीन। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।